अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के इस डिज़ाइन में हम एक वॉचर का डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश यही है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल दिलकश ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं कोई भी डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक और मेरी गुजारिश है आपसे दोस्तों, अगर मेरा एक और एक चैनल है दिलकश पोएट्री, अगर आप शायरी सुनने के शौकीन हैं तो आप इस चैनल को मेरे विज़िट करें। उर्दू शायरी की वीडियोस आपको मिलेगी यहाँ पर, उर्दू शायरी, नज़में, गज़लें, बहुत सारी वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड की है, आप इनको भी चेक कर लें। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो दोस्तों, डिज़ाइन वॉचर का डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और यहाँ पर उसका साइज़ लगा दें 3.5, टैब 2, इंटर प्रेस कर दें। सबसे पहले इस शेप की एक कॉपी बना लें, राइट क्लिक करके कॉपी करें और यहीं पर पेस्ट कर दें और इस जानिब से यहाँ उसको यहाँ तक ड्रैग करके छोड़ दें और यहाँ तक ड्रैग करके छोड़ दें और शिफ्ट प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ से यहाँ तक ड्रैग करके छोड़ दें और शिफ्ट प्रेस करते हुए अंदर की तरफ एक छोटा सा शेप बना लें, राइट क्लिक करके छोड़ दें, इसकी एक कॉपी हो जाएगी। और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करें और इसमें कलर फिल करें। कलर फिल करने के बाद कीबोर्ड से जी प्रेस करें और यहाँ ऊपर कॉर्नर की तरफ से ड्रैग करके यहाँ नीचे तक लाकर छोड़ दें और यहाँ इस कॉर्नर पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर इस कलर को फिल करें और यहाँ सेंटर में डबल क्लिक करें और इस येलो कलर को फिल कर दें। फिर यहाँ पर ऊपर वाले कॉर्नर पर डबल क्लिक करके इसी कलर को फिल कर दें। अब यहाँ बैकग्राउंड में डार्क ब्लैक कलर फिल करें। ये हमारा फ्रंट का डिज़ाइन है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस कुछ राइटिंग को ऐड करना है। यहाँ पर इसको लाकर राइट क्लिक करके छोड़ दें। कॉपी करने का बहुत अच्छा तरीक़ा है ये, आप किसी भी चीज़ की कॉपी करना चाहते हो तो उसको ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ दें, कॉपी हो जाएगी। इसका कलर वाइट कर लें यहाँ से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ तक रख लेते हैं और इस डिस्काउंट को यहाँ पर रख लें, इसका भी कलर वाइट कर दें। ये सही हो गया। अब यहाँ पर हम बर्गर की PNG पिक इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लें इसको ये सही हो गया। अब यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करें और एक सर्कल ड्रॉ करें कंट्रोल प्रेस करते हुए
और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल से कलर फिल करें। ये कलर फिल करके इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें। और इसको यहाँ पर रख लें। तो दोस्तों सर्कल बना लेने के बाद यहाँ पर कुछ राइटिंग को ऐड करेंगे हम। सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके छोड़ दें और इसका कलर येलो कर दें और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको छोटा कर लें। ये सही हो गया। अब यहाँ पर हम टाइटल नेम को ऐड करेंगे। राइट क्लिक करके छोड़ दें और इसका कलर वाइट कर दें और शिफ्ट प्रेस करते हुए थोड़ा छोटा कर लें। और यहाँ से फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करें और यहाँ ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ तक छोड़कर क्लिक कर दें और F12 प्रेस करें कीबोर्ड से। 1 पॉइंट साइज देकर इसका वाइट कलर कर दें। और इस लाइन को कंट्रोल प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करके यहाँ एक कॉपी रख लें और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें इसको। ये सही हो गया। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, आप बड़ी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। अब इसी डिज़ाइन को हम नीचे की तरफ ड्रैग करके कॉपी ले लेंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ दें, इसकी कॉपी हो जाएगी। अब ये सारे ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और इस शेप को वाइट कलर दे दें। और यहाँ से काउंटर टूल सेलेक्ट करें। काउंटर टूल सेलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर से अंदर की तरफ ड्रैग करते हुए यहाँ तक लाकर उसको छोड़ दें और राइट क्लिक करके ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट इस पर क्लिक कर दें। फिर एक दफ़ा काउंटर टूल सेलेक्ट करें यहाँ तक रख कर इसको छोड़ दें और राइट क्लिक करके ब्रेक काउंटर ग्रुप ए पार्ट कर दें। और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पर कलर डालें। अब ये ऊपर वाले कलर को हम कॉपी करेंगे। फिर से कोई यहाँ पर हम ग्रेडिएंट कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहीं का कलर कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करते हुए राइट क्लिक करके यहाँ पर कलर को छोड़ दें। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत आसान तरीके से कलर कॉपी हो जाता है। और यहाँ पर ब्लैक कलर फिल कर दें।
सारे हिस्से को सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन ख़त्म कर दें। इसी पिक को यहाँ पर हम नीचे रख लेते हैं, राइट क्लिक कॉपी, और इस टाइटल को भी यहाँ पर कॉर्नर पे रख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें। और यहाँ इस राइटिंग को ऐड कर लें, यहाँ से वाइट कलर दे दें। कुछ दोस्त मेरे इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनमें वॉइस क्वालिटी को लेकर कमेंट कर रहे थे कि आवाज़ क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो में वॉइस की क्वालिटी कैसी है, आप कमेंट करके बताएं। इस राइटिंग को कंट्रोल प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करें और राइट क्लिक करके छोड़ दें। कंट्रोल आर प्रेस करते हुए आप जितनी चाहे कॉपी बना सकते हैं। ये हमारा बैक साइड वाला भी डिज़ाइन तैयार हो चुका है करीब करीब। यहाँ पर एड्रेस को ऐड करेंगे, इसका कलर भी वाइट कर दें और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको छोटा कर लें। ये ठीक हो गया, तो देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ही कम वक्त में हमने एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर लिया है। तो दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरे उस चैनल को भी एक दफ़ा देख लें जो मैंने शायरी के हवाले से बताया था। और दोस्तों अगर आपको इस डिज़ाइन की CDR फाइल चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं अगले फिर किसी अच्छे से ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।